क्या आता है हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ इलास्टिसिटी, वेराइटी ऑफ इलास्टिसिटी इंटेंसिटी। अभी मैंने आपको बताया मोर इलास्टिक ग्रेटर देन वन, लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक, इलास्टिसिटी लेस देन वन, यूनिट इलास्टिसिटी इक्वल टू वन, जीरो इलास्टिसिटी, यू मे राइट हियर पी एफ वेल, जीरो, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी इक्वल टू इनफिनिटी। अब ये मोर इलास्टिक का मतलब क्या है, अभी आपका आंसर टू आया तो टू का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स में कोई भी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट नहीं होती, हर चीज का कुछ ना कुछ मतलब होता है। टू ग्रेटर देन वन इसका मतलब क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स में मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक का मतलब गौर से समझ ले, उसी से बाकी डेफिनेशन निकलेंगी, बड़े गौर से सुन ले। अगर प्राइस में चेंज आए, अगर प्राइस में चेंज आए और डिमांड में प्राइस के मुकाबले में ज्यादा चेंज आ जाए, अगर प्राइस में चेंज आए और प्राइस के मुकाबले में डिमांड उससे ज्यादा रिस्पॉन्स शो करे, ज्यादा चेंज शो करे, इसे मोर इलास्टिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइस में चेंज आया 10%, प्राइस में चेंज आया 10%, डिमांड में चेंज आया 20%, प्राइस चेंज होने से डिमांड कितनी चेंज हुई बच्चों 20%, इसे बोलते हैं मोर इलास्टिक। लेस इलास्टिक किसे बोलेंगे आपको बताए, प्राइस में चेंज आया 10%, डिमांड में चेंज आया 5%। तो देखें लेस इलास्टिक की डेफिनेशन क्या बनी, अगर प्राइस के मुकाबले में डिमांड में कम रिस्पॉन्स शो करे या कम चेंज आए तो उसे लेस इलास्टिक बोलते हैं। और यूनिट इलास्टिक किसे बोलेंगे, जितने परसेंट प्राइस में चेंज उतने ही परसेंट डिमांड में चेंज, इसे क्या बोलेंगे यूनिट इलास्टिक। डेफिनेशन क्या बनेगी, अगर प्राइस में जितनी तब्दीली आए उतनी ही तब्दीली डिमांड रिस्पॉन्स में शो करे तो उसे यूनिट इलास्टिक का नाम देते हैं। और बच्चों जीरो इलास्टिक का मतलब क्या होगा कि प्राइस में तो चेंज आया लेकिन डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया, तो हमने उसको किस चीज का नाम दे दिया, जीरो इलास्टिक का। और बच्चों इनफाइनाइट इलास्टिक किसको बोलते हैं कि अगर प्राइस नहीं भी चेंज हो रही, डिमांड आपकी चेंज होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, तो हम उसको इनफाइनाइट इलास्टिक बोलते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हर रोज अगर कीमतें नहीं भी चेंज होती तो चीजों की डिमांड डेली क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ऐसी इलास्टिसिटी को इनफाइनाइट इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो बच्चों ये जो मैंने पांच कॉन्सेप्ट आपको बताए ये आगे मैंने वन बाय वन एक्सप्लेन किए हैं, अब मैं आप बच्चों को वहां से दिखा भी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ भी आ गई होगी। सबसे पहला देखें ग्रेटर इलास्टिक, लुक एट दिस, मोर इलास्टिक, इफ द प्रोपोर्शनेट परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड में ज्यादा तब्दीली आई किसके मुकाबले में, प्राइस के मुकाबले में, और इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं देखें, 65 से 80 प्राइस चेंज हुई, डिमांड आपकी 50% से भी ज्यादा कम हो गई, तो बच्चों इसे जो है हम नाम देते हैं मोर इलास्टिक का। तो बेटो देखें जब आप इसका कर्व ड्रॉ करेंगे तो सेम लॉ ऑफ डिमांड वाला जो है वो टेबल है, ये बार बार जो है ये टेबल और डायग्राम जो है वो ड्रॉ नहीं होती, आपको मैं पहले भी सिखा चुका हूं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस प्राइस आपकी मैक्सिमम जहां तक 80 तक है लिख ले, डिमांड आपकी मैक्सिमम 110 तक है वो लिख ले। तो देखें 65 को 65 को 110 से मिलाए ये पॉइंट आ गया, 80 को 50 से मिलाए ये पॉइंट आ गया। आपने जब इन पॉइंट्स को मिलाया आपके पास लॉ ऑफ डिमांड जो डिमांड कर्व आया, सिर्फ और सिर्फ यहां जो चीज सीखने वाली है मोर इलास्टिक या ग्रेटर इलास्टिक का कर्व कैसा होता है, फ्लैटर, कैसा होता है बेटो फ्लैटर, और उसका टेबल कैसा होता है, प्राइस के मुकाबले में डिमांड में ज्यादा चेंज आनी चाहिए। अब ये कैसे नजर आएगा कि यहां प्राइस के मुकाबले में डिमांड में ज्यादा चेंज आया है, उसे आपने ऐसे नहीं देखना कि 65 और 80 में 15 का फर्क आया और 110 और 50 में जनाब कोई 60 की तब्दीली आई तो ये ज्यादा ग्रेटर है, नो, आपने इस टेबल को परसेंटेज में मैयर करना है, प्राइस को भी इसी फार्मूले की मदद से डेल्टा पी ओवर पी,
तो आपको प्राइस में चेंज वायर हो जाएगा। और यहां क्या वायर करेंगे, डेल्टा क्यू ओवर क्यू, तो किस में वायर हो जाएगी चेंज, क्वांटिटी में। दोनों की परसेंटेज कंपेयर करके देखिएगा किस में ज्यादा चेंज आया, तो वो आपको नजर आएगा कि डिमांड में ज्यादा चेंज आया। तो बच्चों ये वाली वैल्यू मैं आपको मेजर करके दिखाई देता हूं, इसके बाद लेस इलास्टिक की, यूनिट इलास्टिक की, बाकी तमाम जो वैल्यूज हैं वो आप बच्चे मेजर करेंगे सेम तरीके से। देखो बेटो प्राइस में कितने का चेंज आया, 15 का, और क्यू में कितने का चेंज आया, 60 का। हम अपनी फार्मूले की मदद से वैल्यू मेजर करते हैं, चेंज इन प्राइस डेल्टा पी 15 और ओरिजिनल प्राइस कितनी थी बेटो, 65। इन दोनों को बेटो करें डिवाइड, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक परसेंटेज आएगी, और फिर आप इसी तरह डेल्टा क्यू ओवर क्यू को डिवाइड करें, आपके पास आएगा डेल्टा क्यू की जगह 60 डिवाइडेड बाय आपके पास जो क्यू की वैल्यू है वो है 110। तो आप इन दोनों को डिवाइड करें जल्दी से कैलकुलेटर पर, आपको पता चले आपके पास क्या वैल्यू आती है। सॉल्व करें, जब आपने इन वैल्यूज को डिवाइड करके देखा तो आपने देखा कि प्राइस में चेंज आया 23% और डिमांड में कितना चेंज आया बेटा, 55%। तो किसमें ज्यादा चेंज आ रहा है, डिमांड में। जब प्राइस के मुकाबले में डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा तो उसे ग्रेटर इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, और उसका कर्व देखें कैसा होगा, फ्लैटर, मोर फ्लैटर। और डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, प्राइस में कम चेंज है, डिमांड में ज्यादा चेंज है। यहां पर परसेंटेज में मेजर करना है, न्यूमेरिकली नहीं देखना कि 15 का डिफरेंस है और 60 का डिफरेंस है, इसको पहले कन्वर्ट करना है बेटे किस पर, परसेंटेज में। जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो पता लगेगा कि ग्रेटर इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है। तो बच्चों इसी आगे का काम अब आपका खुद का है, लेस इलास्टिक को मेजर करना, यूनिट इलास्टिक को मेजर करना, जीरो इलास्टिक को मेजर करना, इनफिनिट इलास्टिक को मेजर करना। लुक एट दिस, ये देखिए, ये मैंने मेजर करके रखा, ये देखिए बच्चों, अगर प्राइस के मुकाबले में डिमांड में कम चेंज आ रहा है, देखिए प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है, डिमांड में कम चेंज आ रहा है, प्राइस में कितने परसेंट चेंज आया, 40%, और डिमांड में कितने परसेंट चेंज आया, सिर्फ 10%। लॉ ऑफ डिमांड गलत नहीं होना चाहिए, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो बच्चों सेम मेथड से मैंने अभी जिस तरह आपको मेजर करके दिखाया आप मेजर करें, तो प्राइस के मुकाबले में डिमांड में कम चेंज आ रहा है इसलिए इसे इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, और इसको लिखते हैं इलास्टिसिटी लेस देन 1। अब हम चलते हैं यूनिट इलास्टिक, तो उसमें क्या होगा, मैं आगे करने से पहले आपसे पूछता हूं, जितने परसेंट प्राइस में चेंज आ रहा होगा उतना ही डिमांड में चेंज आ रहा होगा परसेंटेज वाइज, तो उसे हम यूनिट इलास्टिक का नाम दे देंगे इक्वल टू 1। लुक एट दिस, ये देखिए बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस में कितने परसेंट चेंज, 100%, डिमांड में कितने परसेंट चेंज, 100%। जब हमने इसको मेजर किया तो जितना चेंज प्राइस में आ रहा है उतना ही चेंज डिमांड में आ रहा है, इसका कर्व एक नॉर्मल कर्व है, ना बहुत फ्लैटर है, उसका बना था मोर फ्लैटर, यहां से हम थोड़ा सा ऐसे ले जाते, ये बना था ग्रेटर देन 1 का, ये बना इक्वल टू 1 का, और जो अभी हमने इन इलास्टिक देखा था वो डाउनवर्ड बहुत तेजी से गिर रहा था, वैसे ये तीनों कर्व्स में फर्क है कि नॉर्मल का सेंटर में नॉर्मल फ्लैटर होता है, ये मोर फ्लैटर होता है, ये लेस फ्लैटर होता है। तो बच्चों ये जो इंटेंसिटी थी ये आपको सिखाना बहुत जरूरी थी, और उम्मीद करता हूं कि इनकी पैमाइश करना आपको आ गई है, उसी फार्मूले से मेजर किया है जो मैं आपको दो बार सिखा चुका हूं, ये मेजर हुआ है डेल्टा पी ओवर पी से, और ये मेजर हुआ है डेल्टा क्यू ओवर क्यू से, तो इसमें भी 100% चेंज आया और इसमें भी 100% चेंज आया, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। तो अब हम देखते हैं जीरो इलास्टिसिटी क्या होगी बच्चों, सिंपल, प्राइस में तो चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड में चेंज नहीं आ रहा, तो जब इसका कर्व बनाएंगे तो डिमांड में चेंज नहीं आना चाहिए। लुक एट दिस, हियर इज डिमांड, हियर इज प्राइस, प्राइस तो चेंज हो रही है डिफरेंट लेवल्स,
लेकिन डिमांड में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आ रही, तो ऐसा कर्व वर्टिकल होता है। इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू जीरो। अगर आपको कहीं कहें कि जीरो इलास्टिसिटी का डिमांड कर्व बनाकर दिखाएं, तो आप इस तरह का वर्टिकल शेप कर्व बनाकर दिखाएंगे और डेफिनेशन में लिखेंगे प्राइस में चेंज आए जितने मर्जी परसेंट आ जाए, लेकिन डिमांड में चेंज ना आए तो उसे जीरो इलास्टिक बोलते हैं। और इसके बाद हम आगे चलते हैं, और इनफाइनाइट इलास्टिक क्या होगा? ऑपोजिट टू जीरो। प्राइस में तो चेंज नहीं आया, कितने परसेंट आया? जीरो परसेंट। लेकिन डिमांड जो है आप देखें आपकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो पहले आपने डिमांड चेंज नहीं किया था तो कर्व वर्टिकल बना था। अब आपने प्राइस चेंज नहीं करनी तो आपका कर्व किस शेप में बनेगा? हॉरिजॉन्टल शेप में। लुक एट दिस, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, डिमांड आपकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आप इन ए बी सी वर्ड्स को मिलाए तो जो कर्व बना ये है इलास्टिसिटी इक्वल टू इनफिनिटी। ये इनफिनिटी का सिंबल है, दैट इज डाउन टू एट। तो इस इनफिनिटी का मतलब है अनलिमिटेड चेंज, इनफाइनाइट चेंज। तो बच्चों ये थी वो डिफरेंट इलास्टिसिटी जो आपको सिखाना बहुत जरूरी थी, और मैंने आपको इन्हें अच्छी तरह इलैबोरेट किया। अब अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्लियर करना हो तो ये तमाम चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ आपको प्राइस और सप्लाई का रिलेशन जो है वो पॉजिटिव करना है। मतलब प्राइस और सप्लाई में जो रिलेशन बनाना है वो आपको पॉजिटिव रिलेशन बनाना है, लाइक दिस। यहाँ लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस कम हो रही है तो डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। लॉ ऑफ सप्लाई में भी यही होगा, यूनिट इलास्टिक। उसमें क्या लिखेंगे? अगर प्राइस में जितना चेंज आए डिमांड की जगह क्या वर्ड लिख देंगे? सप्लाई। सप्लाई में भी उतना ही चेंज आए, और ये देखें इनइलास्टिक क्या होगा? अगर प्राइस में ज्यादा चेंज आए और सप्लाई में उसके मुकाबले में कम चेंज आए। फर्क क्या है? यहाँ लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है, प्राइस बढ़ रही है डिमांड कम हो रही है। सप्लाई में लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल करना है, प्राइस बढ़े तो सप्लाई भी बढ़ानी है, और प्राइस में ज्यादा चेंज शो कर देना है और सप्लाई में कम चेंज शो कर देना है। तो बच्चों इसीलिए मैं बार बार आप बच्चों को रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अच्छा करके समझ लेंगे, आपके लिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इनकम इलास्टिसिटी, इन चीजों को मेजर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा और आप इन्हें बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि इस तमाम वीडियो में, इस तमाम लेक्चर में आपको मुख्तलिफ तरह की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मेजर करना आई। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, उसका फार्मूला क्या है। अब हमारा जो इससे नेक्स्ट मरहला है वो है हाउ टू मेजर इलास्टिसिटी, डिफरेंट मेथड्स। अभी तो हमने सिंपल फार्मूले से मेजर की ना, तो इसके अलावा भी कई फार्मूले हैं जिसकी मदद से प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर किया जा सकता है। पहला मेथड मैंने आपको करवा दिया, उसका नाम था परसेंटेज मेथड। अब इसके अलावा देखते हैं कौन कौन सा मेथड है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, यहां मैंने लिखे हैं ये कंप्यूटेशन। तो बच्चों मैंने यहां कितने मेथड लिखे? दो मेथड लिखे। एक का नाम लिखा मैंने परसेंटेज मेथड और दूसरे का नाम मैंने लिख दिया मिड पॉइंट मेथड। बच्चों आपके वीडियो का, लेक्चर का एक और इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो चल रहा है, स्टार्ट है कि हाउ टू मेजर इलास्टिसिटी। एक तो आपने मेजर करके देख लिया। अब बच्चे अक्सर स्टूडेंट में से क्वेश्चन करते हैं कि सर जब हमें इलास्टिसिटी मेजर करनी है, क्या एक फार्मूला समझ आ गया और हमने उससे इलास्टिसिटी मेजर कर ली, तो फिर मुख्तलिफ तरीकों से और तरीकों से इलास्टिसिटी मेजर करने की क्या जरूरत है? ये ऐसी बात है कि सर मैं कहते हैं कि सर हमें कॉलेज जाने का एक रास्ता समझ आ गया तो हमें नए रास्ते एक्सप्लोर करने की क्या जरूरत है? तो बच्चों उसके पीछे सर्टन टेक्निक्स है, सर्टन रीजन है कि हमें परसेंटेज मेथड के साथ, लेट यहां मैंने जो आपको मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं मिड पॉइंट मेथड, वो मेथड भी आना जरूरी है। वो मेथड क्यों आना जरूरी है उसकी वजह मैं आपको मिड पॉइंट मेथड में बताऊंगा। अभी हम सबसे पहले परसेंटेज मेथड को देखते हैं। तो बच्चों परसेंटेज मेथड, अभी जो पहले मैंने डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और सेम जो भी मैंने परसेंटेज मेजर करके दिया डेल्टा क्यू ओवर क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी ओवर पी मल्टीप्लाई बाय 100 जो परसेंटेज में हमने वैल्यूज निकाली उसे ही परसेंटेज मेथड बोलते हैं। मैंने प्रीवियस एग्जांपल ही यहां पर कोट की है। ये देखिए इन दिस मेथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर विद द परसेंटेज चेंजेस इन डिमांड एंड प्राइस। वही फॉर्मूला
सेम फॉर्मूला डेल्टा क्यू और क्यू डेल की परसेंटेज मेथड ही है क्योंकि हमने डेफिनेशन में भी तो यही परसेंटेज शो की थी। अच्छा फिर देखिए इसकी मेजरमेंट मैंने सेम वैल्यूज ली ताकि आप बच्चों को परेशानी ना हो, सेम जो मैंने टेबल था उसी टेबल को मैंने एक्सप्लेन करके उसी टेबल से दोबारा आपको वैल्यूज निकाल के दी और मैं आपको ये तमाम बातें वीडियो में सिखा चुका हूँ कि यहाँ माइनस क्यों आएगा, इस माइनस का रोल क्या है, टू ग्रेटर देन वन का मतलब क्या है, मोर इलास्टिक क्या है, ये सब चीजें मैं आपको वीडियो में समझा चुका हूँ कि मोर इलास्टिक का मतलब है प्राइस के मुकाबले में डिमांड में ज्यादा रिस्पॉन्स आया, ज्यादा रिएक्शन शो किया, प्राइस के मुकाबले में डिमांड में ज्यादा चेंज आई, उसे मोर इलास्टिक बोलते हैं। तो बच्चों ये तो था पहला मेथड, अब हम चलते हैं नंबर टू मेथड, मिड पॉइंट मेथड। बच्चों मिड पॉइंट मेथड और परसेंटेज मेथड में एक जबरदस्त सा क्लैश है, एक जबरदस्ती टेक्निक है और वो ये है कि जब हमें दो पॉइंट्स लाइक पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दो पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी मेजर करना होती है तो हम इसके लिए परसेंटेज मेथड भी यूज कर सकते हैं और मिड पॉइंट मेथड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम परसेंटेज मेथड यूज करते हैं तो उसमें एक अनॉइंग एक डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, जब हमने ए से बी इलास्टिसिटी मेजर की उसका एक रिजल्ट आया ग्रेटर देन वन लेस देन वन व्हाटएवर, लेकिन जब उसी वैल्यूज को बी से ए मेजर किया तो रिजल्ट उलट हो गया, आल्टर हो गया, चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ, सेम वैल्यूज सेम डेटा, परसेंटेज मेथड में जो शिफ्टिंग है डाउनवर्ड और अपवर्ड ये रिजल्ट को तब्दील कर देती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने नया मेथड दिया हमें और उस मेथड का नाम क्या था, मिड पॉइंट मेथड। ये मिड पॉइंट मेथड में चाहे आप ए टू बी इलास्टिसिटी मेजर करें या बी टू ए इलास्टिसिटी मेजर करें, इस मेथड में आपके रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा। अगर ए टू बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन वन थी तो बी टू ए भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या निकलेगी, ग्रेटर देन वन निकलेगी। जबकि परसेंटेज मेथड में ए टू बी अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन निकल रही थी तो कुछ डेटा ऐसे थे जिन पर जब बी टू ए परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी मेजर की गई तो वो ग्रेटर देन वन की जगह इक्वल टू वन हो गई या लेस देन वन हो गई। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मिड पॉइंट मेथड यूज किया जाता है। बहुत आसान मेथड है, वेरी सिंपल। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, सेंटर पॉइंट, दो वैल्यूज के दरमियान में एवरेज निकालना, ए और बी को जमा करें और दो पर डिवाइड करें तो आपके पास मिड पॉइंट वैल्यू या मिड पॉइंट मेथड निकल आता है जिसे हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बस यही बात मैंने यहां लिखी भी है, आप अगर स्लाइड पर देखते हैं तो देखिए फर्ज करें हमारे पास दो पॉइंट थे, वो मैं टेबल की शक्ल में लिख देता हूं क्योंकि आप बच्चों को ज्यादा टेबल की शक्ल में वैल्यू समझ आती है। आपकी प्राइस थी 4, आपकी क्वांटिटी थी 120, प्राइस बढ़कर हो गई 6, बढ़ गई ना, डिमांड कितनी रह गई 80। ये पॉइंट ए के थे, दोनों पॉइंट ए पॉइंट पर, और ये दो पॉइंट किसके हैं, बी के। तो बच्चों हम इन दोनों पॉइंट की ए टू बी और बी टू ए दोनों पर इलास्टिसिटी परसेंटेज से मेजर करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। देखें बच्चों फॉर्मूला वही, डेल्टा क्यू ओवर क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा पी ओवर पी, ये मैं फाइंड कर रहा हूं ए टू बी। अच्छा देखिए जब हमने यहां मेजर की वैल्यू डेल्टा क्यू में कितने का चेंज आया बेटो, 120 में से 80 माइनस करें 40, पी में कितने का चेंज आया माइनस टू का, आपने यहां लिख दिया ठीक है। अब आपने जब डेल्टा पी ओवर पी किया और उसे मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आपके पास जो परसेंटेज चेंज आया प्राइस में वो आया है 50%। कितने परसेंट चेंज आया बच्चों, 50%। आप करके भी चेक कर सकते हैं, दैट इज माइनस टू डिवाइडेड बाय पी की जगह आप क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 100%, जब इसे डिवाइड करेंगे तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100% और ये आपके पास आ जाएगा 50%। माइनस का साइन
नेगेटिव रिलेशन को शो करता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो बच्चों प्राइस में कितने परसेंट चेंज आ रहा है? 50%। जब आपने डिमांड में चेंज मेजर किया वो कितने परसेंट आ रहा है? 33%। पहले तो मुझे बताएं प्राइस और डिमांड के मुकाबले में ज्यादा चेंज किसमें आया? प्राइस में, और डिमांड में उसके मुकाबले में कम चेंज आया। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये लेस इलास्टिक डेटा की या इन इलास्टिक लेसर इलास्टिक लेस देन 1 डेटा की जो है वो पैमाइश है। तो जब हमने इस फार्मूले में डेल्टा क्यू ओवर क्यू के जो चेंज है दैट इज 33 उसको डिवाइड किया डेल्टा पी ओवर पी 50% पर चेंज पर, दोनों को डिवाइड किया 0.6 लेस देन 1 लेस इलास्टिक, हमारे पास आंसर आ गया। ये हमने इलास्टिसिटी मेजर की परसेंटेज मेथड से फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अगर यही इलास्टिसिटी सेम डेटा की बी टू ए मेजर करें, बी टू ए मेजर करें तो कुछ इस तरह का बनेगा। सिक्स फोर एटी वन ट्वेंटी। अब हम बी बी पहले लिख लिया, बी टू ए मेजर कर रहे हैं। आप जब इसकी इलास्टिसिटी मेजर करेंगे तो आपको सेम फार्मूले से वैल्यूज मेजर करना पड़ेगी। अब आप जब मेजर करेंगे प्राइस में चेंज आएगा 33%, डिमांड में चेंज आएगा 50%। जब आप उसे फार्मूले में लगाएंगे 1.5 ये सेम डेटा मोर इलास्टिक पर चला गया। तो यही वो प्रॉब्लम थी जो मैं आप बच्चों को सिखा रहा था कि बाजुकात परसेंटेज मेथड में पॉइंट चेंज करने से सेम डेटा सेम वैल्यू जो है चेंज तो वही आया प्राइस में 6 से 4 का, पहले 4 से 6 2 की तब्दीली नजर आ रही है लेकिन परसेंटेज में उसने लेस इलास्टिक से मूव कर दिया मोर इलास्टिक पर। अब यही डेटे को मिड पॉइंट से मेजर करेंगे तो आप देखेंगे चाहे ए टू बी मेजर करें चाहे बी टू ए मेजर करें जिस तरीके मर्जी से मेजर करें दोनों सूरतों में जो रिजल्ट है वो सेम आएगा और जो पहले रिजल्ट आएगा वही आंसर सेकंड टाइम भी रिप्रेजेंट होगा। तो बच्चों मिड पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला यूज करना है वो मैंने आप बच्चों को लिख दिया। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। देखो बेटो फॉर्मूला देखने में बड़ा मुश्किल सा लग रहा है लेकिन मैं इसे आसान लिख के देता हूं ताकि आप बच्चों को ये समझ आ जाए। देखिए क्यू टू माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाई ये चेंज है डेल्टा क्यू, वही है ना डेल्टा क्यू क्यू टू माइनस क्यू वन। इसके नीचे हम क्या लिखते थे क्यू डेल्टा क्यू ओवर क्यू। अब क्यू नहीं लिखना, अब मिड वैल्यू लिख देनी है। कौन सी वैल्यू लिखनी है? मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू कैसे मालूम होती है? दोनों वैल्यूज को जमा करके दो पर डिवाइड कर देना है। तो देखिए बच्चों ये मिड वैल्यू जो है ऐसे लिख दो या लिख दो क्यू वन प्लस क्यू टू डिवाइडेड बाई टू, ये मिड वैल्यू है डिवाइडेड बाय सेम जो है वो प्राइस के लिए भी कर लें पी टू माइनस पी वन डिवाइडेड बाय मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू कैसे मेजर होती है? पी टू और पी वन दोनों को प्लस करो और कितने में डिवाइड कर दो? टू पर डिवाइड कर दो। तो बच्चों फार्मूला वही है, सिर्फ डेल्टा क्यू के नीचे जहां पी लिखते थे परसेंटेज में उसकी जगह मिड पॉइंट मिड वैल्यू की जो है मैंने क्यू वन प्लस क्यू टू डिवाइडेड बाय टू लिखा और इसी तरह पी वन प्लस पी टू डिवाइडेड बाय टू लिखा। तो बच्चों हम इस फार्मूले को अभी जो डेटा हमने दिया था उसी की मदद से मेजर करेंगे और देखेंगे हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो देखिए बेटो इस खाली शीट पर मैं आपको मेजर करके दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। लुक एट दिस, पी और क्यू 4 और 6 लिया था और जो दूसरी वैल्यूज ली थी हमने वो ली थी 120 और 80। सबसे पहले देखें लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है डिमांड कम हो रही है। और राइट, हम कुछ चीजें मेजर करते हैं। दिस वन इज क्यू वन एंड दिस वैल्यू इज क्यू टू, हियर दिस वैल्यू इज पी वन एंड दिस वैल्यू इज पी टू। हमें जो अपने फॉर्मूले में वैल्यूज चाहिए हमें मिड पॉइंट चाहिए, तो यहां मैं मिड पॉइंट फाइंड कर रहा हूं। मिड पॉइंट दो फाइंड होंगे, एक क्यू का और एक पी का, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास आंसर आएगा 120 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 100। ये मेरे पास मिड पॉइंट आ गया।
इसी तरह मैं प्राइस का भी मिड पॉइंट फाइंड करूंगा, मिड पॉइंट ऑफ पी, पी वन प्लस पी टू डिवाइडेड बाय टू, आंसर आएगा 4 + 6 / 2 = 5। बस ये वैल्यूज जो है हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा, ये हम मेजर कर रहे हैं ए टू बी, ए टू बी, फिर हम मेजर करेंगे बी टू ए। तो बच्चों जैसे ही आपने इनको मेजर किया, आपके पास जो फॉर्मूला था वो था क्यू टू माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाई मिड पॉइंट डिवाइडेड बाय पी टू माइनस पी वन डिवाइडेड बाय मिड पॉइंट ऑफ पी। तो बच्चों लगाते हैं वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्यू टू माइनस क्यू वन 80 - 120 इज इट 80 - 120 डिवाइडेड बाय मिड पॉइंट कितना है 100 डिवाइडेड बाय पी टू माइनस पी वन 6 - 4 डिवाइडेड बाय इसका मिड पॉइंट वो कितना था 5। आप इन वैल्यूज को डिवाइड करेंगे और हम इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे, देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है। जी बच्चों तो जब मैंने ये वैल्यूज को मेजर किया 80 - 120 - 40 / 100 आंसर आया 0.4, 6 - 4 = 2 / 5 तो मेरे पास आंसर है 0.4। 0.4 को 0.4 पे जब डिवाइड किया तो आंसर बना 1। माइनस का साइन मैंने आपको बताया था कि ये नेगेटिव रिलेशन को शो करता है, इसे हम इग्नोर कर देंगे, तो बाकी मेरे पास रह जाता है 1 = 1 यूनिट इलास्टिक। तो देखिए बेटो वही जेटा जो कभी मोर इलास्टिक शो कर रहा था, कभी लेस इलास्टिक शो कर रहा था, वो यूनिट इलास्टिक पर आया। ये मैंने इलास्टिसिटी मेजर की है ए टू बी। अब आप इसी फॉर्मूले की मदद से बी टू ए खुद मेजर करेंगे। जब आप बी टू ए मेजर करेंगे तो आपका आंसर देखिएगा दोबारा 1 ही आएगा। दिस इज योर असाइनमेंट, दिस इज योर टास्क कि अब आप जब इसकी इलास्टिसिटी मेजर करेंगे तो आप मेजर करेंगे बी टू ए, सेम फार्मूला सेम मेथड आपने मेजर करनी है और आंसर मैंने लिख दिया है कि आंसर आपका आएगा 1 बी टू ए। 4 6 की जगह हो जाएगा 6 4 और वैल्यूज आ जाएगी 80 - 120। प्राइस कम डिमांड ज्यादा, ये क्यू वन ये क्यू टू ये पी वन और ये पी टू। बच्चों सेम फार्मूले में वैल्यूज लगाएं, आंसर फाइंड करें और आंसर फाइंड करके मुझे बताएं आपके पास क्या आंसर आया, और जब आप इसे मेजर करेंगे आपका सेम आंसर आएगा जो अभी हमने कैलकुलेट किया। तो हम इसे मूव करते हैं आगे। बच्चों उम्मीद करता हूं आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मुताबिक इस पूरी वीडियो में सब चीजें समझ आई होंगी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या फर्क है। फिर इसके बाद मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करने का फॉर्मूला, कैलकुलेशन, उसके नेगेटिव साइन की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, फिर उससे आगे उसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो बताई और उसको मेजर करने का तरीका कहा। फिर मैंने उसके बाद आपको उसके दो डिफरेंट फार्मूला जो है मिड पॉइंट और परसेंटेज मेथड वो करवाया। अब ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट हो गया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस फार्मूले के मुताबिक दे दी। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, टेस्ट, पीआर रिलेटेड प्राइस, ये मैंने आपको करवा दिया। इसका नाम हमने रख दिया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जो टॉपिक आप अपने बोर्ड पर देख रहे हैं वो है इनकम इलास्टिसिटी। तो बच्चों अब मेरा ख्याल है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि इलास्टिसिटी मेजर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इनकम इलास्टिसिटी भी सेम कैटेगरी से सेम पैटर्न से फाइंड की जा सकती है। कहता लाइक प्राइस इलास्टिसिटी वी कैन मेजर इलास्टिसिटी ऑफ अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड एज वेल। इनकम इलास्टिसिटी डेफिनेशन देखें, हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन इट्स इनकम। पहले यहां प्राइस था, अब क्या वर्ड आ गया इनकम। रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन डिमांड टू 1% चेंज इन इट्स इनकम। तो प्राइस की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड आया इनकम, और इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। तो फॉर्मूला भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां पी आया था पी की जगह मैं वाई का फॉर्मूला यूज करूंगा। लुक एट दिस,
बच्चों डेल्टा क्यू ओवर क्यू मल्टीप्लाई बाय सेम फार्मूला है, आप इसे ऐसे लिख रहे डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा वाई ओवर वाई, तो ये वही फार्मूला है, सिर्फ ई पी की जगह ई वाई आ गया। अच्छा इनकम के साथ रिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव, इनकम बढ़ी तो डिमांड भी क्या हो गई, बढ़ गई। इनकम में कितना चेंज आया 1000 का, डिमांड में कितने का चेंज आया 100 का, डेल्टा वाई 1000, डेल्टा क्यू 100। आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज लगाएं, या आपका आंसर इक्वल टू 1 आएगा, या आपका आंसर इक्वल टू लेस देन 1 आएगा, या ग्रेटर देन 1 आएगा, वो आप बच्चों ने खुद मैयर करना है, क्योंकि ये चीजें मैं आपको करवा चुका हूं। तो इनकम इलास्टिसिटी के बाद हम एक और डिटरमिनेंट की तरफ जाते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये मुख्तलिफ इलास्टिसिटी मैयर करके दे रहा हूं, इसका दूसरा नाम है क्रॉस इलास्टिसिटी। बच्चों मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, वो जरा स्टेटमेंट पढ़े क्या है, स्टेटमेंट क्या है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन पेप्सी डिमांड, पेप्सी की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा, कब, इफ द प्राइस ऑफ कोका कोला इंक्रीजेस। सबसे पहले देखिए पेप्सी और कोक दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट अल्टरनेट है या नहीं है, जी शाबाश, दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट है, सब्स्टिट्यूट है। मैंने ये लिखा कि पेप्सी कमोडिटी की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा अगर कोका कोला की प्राइस बढ़ जाए, तो सोचें जब कोका कोला की प्राइस बढ़ेगी तो बहुत सारे लोग कोका कोला को महंगी होने की वजह से उसकी डिमांड कम करेंगे, और वो लोग किधर को मूव करेंगे, पेप्सी की तरफ, और पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब प्राइस तो चेंज हुई एक कमोडिटी की, लेकिन डिमांड चेंज हुई उसके सब्स्टिट्यूट की। तो जब एक कमोडिटी की प्राइस चेंज हो और उसके रिलेटेड सब्स्टिट्यूट की डिमांड चेंज हो जाए, तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी। बच्चों समझ आया, एक कमोडिटी की प्राइस चेंज होती है और उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड चेंज हो जाए, तो इसे जो है क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। फार्मूला वही है, लेकिन उसमें पहले फार्मूले में एक ही कमोडिटी होती थी, इसमें दो कमोडिटी है, एक की प्राइस चेंज होनी है, एक की कमोडिटी चेंज होनी है। तो थोड़ा सा फार्मूला देखें क्या चेंज हुआ होगा, वो पढ़ के देखें। डेफिनेशन के बाद, परसेंटेज चेंज इन डिमांड किसकी, गुड टू की, किसकी वजह से, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड वन, पहली कमोडिटी की प्राइस में चेंज आया उसकी वजह से सेकेंड कमोडिटी की डिमांड में क्या आ गया बच्चों, चेंज आ गया। लुक एट दिस, ये वही फार्मूला है क्रॉस इलास्टिसिटी का, डेल्टा क्यू ओवर क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी ओवर पी। सिर्फ इस फॉर्मूले में फर्क क्या करना है, गुड वन की प्राइस आपने इधर ए लिख लेना है कि आपने पहली कमोडिटी की प्राइस ली है, और दूसरी कमोडिटी की आपने क्या ली है बच्चों, क्वांटिटी ली है। तो जब आप इस तरह इसके साथ ए और बी लिख देंगे, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां ए लिख लें और यहां क्या लिख लें, बी लिख लें, ये ले, ये वैल्यूज भी ठीक है, इधर टू की जगह वन हो जाएगा और इधर वन की जगह क्या हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बनाना आपके अपने हाथ में है, आप जैसी टेक्निक यूज करना चाहते हैं उसके मुताबिक आप फॉर्मूला बनाएंगे। तो अभी जो मैंने बनाया फॉर्मूला, मैं वो भी लिखा रहने देता हूं, उसके मुताबिक आपकी प्राइस ऑफ गुड वन, ए की प्राइस चेंज होनी है और बी कमोडिटी की क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो बच्चों मैं आपको एक टेबल बनाकर दिखाता हूं, उसके हवाले से एक तरफ आप प्राइस लिख दें, एक तरफ आप डिमांड लिख दें, और ए कमोडिटी लिख दें और बी गुड लिख दें। ए में फर्ज करें आपने लिख दिया पेप्सी, और दूसरे में आपने कोका कोला लिख दी। पेप्सी की प्राइस 20, कोका कोला की प्राइस भी 20, यहां पर प्राइस लिखे और यहां डिमांड लिखे, यहां गुड्स लिख रहे। 20 प्राइस पर इसकी डिमांड 100, कोका कोला की डिमांड 150। ये जनरल मैंने सिनेरियो बनाया। अब मैं इसकी गुड वन की प्राइस में चेंज लाता हूं। फर्स्ट करें पेप्सी की प्राइस 20 से बढ़कर 25 हो जाती है। प्राइस किसकी बढ़ी है बच्चों, पेप्सी की। अब पेप्सी की प्राइस बढ़ने की वजह से लोग इसे छोड़ेंगे और किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, कोका कोला की तरफ मूव कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों कोक की जो डिमांड है वो फर्ज करें बढ़कर कितनी हो जाती है, 170 होती है। तो प्राइस इसमें चेंज आया,
डेल्टा पी ए में चेंज आया पांच का, लेकिन क्वांटिटी किसकी चेंज हुई, बी की, डेल्टा क्यू बी में चेंज आया 20 का। तो ये दो वैल्यूज हमें चाहिए अपने फार्मूले में यूज करने के लिए और हम इस फार्मूले को मेजर कर सकते हैं। तो यहां मैं मेजर कर देता हूं आप बच्चों को क्रॉस इलास्टिसिटी, डेल्टा क्यू ए डेल्टा क्यू ओवर क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी ओवर पी, ए की प्राइस और बी की कमोडिटी। तो बच्चों जब मैं इसे मेजर करूंगा डेल्टा क्यू बी की जगह जो चेंज आया वो 20 का है और क्वांटिटी ऑफ बी, क्वांटिटी ऑफ बी पहले कितनी थी, जो पहली हमारे पास ये ए की है और ये कितनी है बी की 150 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी ए, प्राइस ऑफ ए में कितने का चेंज आया 5 का, ये लिखूंगा डिवाइडेड बाय पी ए, पहले प्राइस ए की कितनी थी, ये ए की प्राइस है और ये बी कमोडिटी की, तो बी इसकी प्राइस है। तो बच्चों 20 को 150 पर डिवाइड करते हैं, 5 को 20 पर डिवाइड करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। देखिए बच्चों जब आपने उसे डिवाइड किया तो आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 150 0.13 आंसर आ गया, 5 को 20 पर डिवाइड किया 0.25 आंसर आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया 1.92 आंसर आया, 1.92 ग्रेटर देन 1, तो ये कौन सी निकली, मोर इलास्टिक। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही मोर इलास्टिक लेस इलास्टिक सिखा दिया था कि ये आपका कॉन्सेप्ट साथ साथ चलना है। तो अगर अब आपको आपको बातें समझ आ रही हैं तो आप दोबारा से जब वीडियो देखेंगे तो जो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का स्टार्टिंग था उसे दोबारा अच्छे तरीके से कीजिएगा, एक ही फॉर्मूला स्टार्ट से लेकर आखिर तक चल रहा है। अभी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी सेम फॉर्मूला होगा, सिर्फ डिमांड की जगह सप्लाई का बढ़ जाएगा, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर जाने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकली फर्म्स का जो बिहेवियर है या उसका रेवेन्यू अर्न करने का मेथोडोलॉजी है वो भी बता दूं कि प्राइस और डिमांड में चेंज होने की वजह से फर्म के रेवेन्यू पर चेंज पड़ता है। वो क्या चेंज पड़ता है वो मैं आप बच्चों को नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं, उसे हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू। देखिए बच्चों टोटल रेवेन्यू का बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। एक प्रोडक्ट की कीमत 50 रुपए है, उसके 100 यूनिट सेल होते हैं, तो 100 × 50 आपका जो रेवेन्यू आपने अर्न किया जो कमाई हासिल की आपने वो 5000 है, इसे टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। बच्चों टोटल रेवेन्यू का इलास्टिसिटी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, अगर आपकी इलास्टिसिटी नॉर्मल है तो रेवेन्यू उसके मुताबिक आएगा, अगर आपकी इलास्टिसिटी स्टूडेंट्स लेस इलास्टिक है तो उसमें रेवेन्यू में क्या फर्क आएगा, अगर आपकी इलास्टिसिटी मोर इलास्टिक है तो फिर आपके रेवेन्यू पर क्या फर्क पड़ेगा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड पर। जैसी गुड होगी फिर पॉलिसी मेकर्स को ये देखना होता है कि जो चीज आप प्राइस चेंज करने लगे हैं वो लेस इलास्टिक है मोर इलास्टिक है या यूनिट इलास्टिक है। फॉर एग्जाम्पल घी की प्राइस अगर गवर्नमेंट चेंज करना चाहती है या जो सेलर है वो चेंज करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले देखेंगे घी किस कैटेगरी में आता है, मोर इलास्टिक में आता है या लेस इलास्टिक में आता है। तो बच्चों घी जो है वो नेसेसिटी है और नेसेसिटी ऑफ लाइफ लेस इलास्टिक में आती है। लेस इलास्टिक की डेफिनेशन ये है कि प्राइस में थोड़ा भी चेंज आएगा या ज्यादा चेंज आएगा और डिमांड में उसके मुकाबले में कम चेंज आएगा, तो वो प्राइस में ज्यादा भी चेंज करेंगे तो उन्हें पता है डिमांड में उसके मुकाबले में कम चेंज आएगा, इसे हमने लेस इलास्टिक का नाम दिया था। तो फिर उनके टोटल रेवेन्यू पर भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट करें अभी एक कमोडिटी की प्राइस 5 है और उसके जो यूनिट सेल होते हैं वो 10 सेल होते हैं, जब हमने 5 को 10 से मिलाया हमारे पास ये पॉइंट आया, इस पॉइंट में ये जो पोर्शन है दिस वन प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम ये टोटल रेवेन्यू जनरेट करते हैं, दैट इज कितना बना 50। ये वो सिंपल सा टोटल रेवेन्यू का फार्मूला है जो हम इसी डिमांड के डायग्राम में से निकाल सकते हैं। इसका यूज क्या है वो मैंने आपको अगली डायग्राम में सिखाया। देखिए बच्चों ये एक डायग्राम है, कौन सी फ्लैटर कौन सी है, याद करें नॉर्मल इलास्टिक नहीं है,
इन इलास्टिक भी नहीं है, ये मोर इलास्टिक। कोई ऐसी कमोडिटी है जो मोर इलास्टिक है, उसकी प्राइस थी 4 और उसके कितने यूनिट मार्केट में सेल हो रहे थे, 50। तो 50 मल्टीप्लाई बाय ये प्राइस, ये क्वांटिटी, टोटल जो आप उससे रेवेन्यू अर्न कर रहे थे 200 यूनिट्स, 200 रुपीस, 200 डॉलर्स आप अर्निंग कर रहे थे टोटल रेवेन्यू। अब इस कमोडिटी की प्राइस सेलर ने 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी, कितनी कर दी बच्चों, 5। कीमत बड़ी है, डिमांड क्या हुई होगी, कम हुई होगी। अच्छा, और ये है कौन सा मोर इलास्टिक, ऐसे ही है। मोर इलास्टिक में हमने क्या पढ़ा था, प्राइस के मुकाबले में डिमांड में ज्यादा चेंज आती है। तो देखें, प्राइस 4 से 5 हुई, डिमांड 50 से कम रहकर कितनी रह गई, 20। प्राइस के मुकाबले में डिमांड में ज्यादा चेंज आया, तो बच्चों रेवेन्यू पर क्या इंपैक्ट पड़ा, पहले वो 200 रेवेन्यू कमा रहे थे, अब 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें, उनका रेवेन्यू सिर्फ कितना रह गया, 100 रह गया। तो ऐसी चीज की कीमत सेलर के लिए बढ़ाना सूटेबल नहीं है, ऐसी चीज की कीमत कम करने से, जो है थोड़ी सी कम करने से रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मोर इलास्टिक कमोडिटीज की कीमत थोड़ी सी बढ़ाकर वो सेलर जो है वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा सकता है। इसलिए जो चीजें दुनिया में मोर इलास्टिक होती हैं उन पर प्रमोशंस लगती हैं, उन पर सेल लगती हैं, थोड़ी सी कीमत कम करके रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ा लिया जाता है और इनकी कीमतों को बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं किया जाता। अगर इनकी कीमतों को इंक्रीज करना भी हो तो उसके लिए उन्हें एक टेक्निक अपनानी पड़ती है और वो टेक्निक है कार्टल की मोनोपोलीज, मोनोपोली की। सब लोग मिलकर अपनी कीमत बढ़ाते हैं ताकि कहीं से भी बायर जो है वो दूसरी कमोडिटी की तरफ शिफ्ट ना कर सके। तो बच्चों ये रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट था। अब ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट जो है वो इन इलास्टिक में भी है। इन इलास्टिक में मैंने आपको बताया कि प्राइस में ज्यादा चेंज आता है, डिमांड में उसके मुकाबले में कम चेंज आता है। फर्ज करें कमोडिटी की प्राइस 1 थी, 100 यूनिट सेल हो रहे थे, तो रेवेन्यू बॉय को सेलर कितने ले रहा था फ्रॉम 100, उसने उसकी प्राइस बढ़ाकर 3 कर दी, 3 पर ले गए। लेकिन डिमांड 100 से कम होकर सिर्फ कितनी हुई, 80, तो रेवेन्यू देखिए कितना बढ़ गया, 240। तो बच्चों जो इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक चीजें होती हैं, आटा दाल घी, इनकी कीमतें इसीलिए बढ़ा दी जाती हैं क्योंकि इनकी डिमांड में ज्यादा कमी नहीं आती और जब गवर्नमेंट को या फर्म को अपना रेवेन्यू बढ़ाना हो वो ऐसी इन इलास्टिक चीजों की कीमतें बढ़ाकर अपना रेवेन्यू बढ़ा लेते हैं। तो बच्चों इसका मतलब ये था समझाने का कि इन चीजों की मदद से भी रेवेन्यू में कमी बेशी लाई जा सकती है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको टोटल रेवेन्यू का समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सप्लाई का। मैं आपको सप्लाई थ्योरी भी पढ़ा चुका हूं, मैं आप बच्चों को इलास्टिसिटी भी पढ़ा चुका हूं। तो अब जो हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी, सेम टॉपिक है, सिर्फ लॉ ऑफ सप्लाई को ध्यान में रखना है। प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है, लेकिन हमें यह समझ नहीं आती कि प्राइस बढ़ने पर सप्लाई में कितनी तब्दीली आएगी, प्राइस चेंज होने पर सप्लाई में कितनी तब्दीली आएगी। इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अल्फर्ड मार्शल ने कॉन्सेप्ट दिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरह इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बन गई। तो बच्चों हम सेम फार्मूला सेम मेथड यूज करके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी क्लियर करेंगे। तो देखो बच्चों फिर वही डेफिनेशन, फिर वही सारी चीजें, सिर्फ फर्क क्या आया, हाउ मच द क्वांटिटी सप्लाई, यहां डिमांड लिखा, सिर्फ डेफिनेशन में सप्लाई आ गया। रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन इट्स प्राइस, रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन सप्लाई, डिमांड की जगह क्या वर्ड लगा दिया मैंने, सेम डेफिनेशन सप्लाई का वर्ड लगा दिया। तो फार्मूले में भी जहां आपने डिमांड यूज कर रहे थे उसकी जगह सप्लाई ले आए तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी आता है। देखिए बच्चों परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहां सप्लाई को भी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डिमांड को भी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फार्मूले में चेंज नहीं आया। यहां से पता चल रहा है कि ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फार्मूला है। प्राइस इलास्टिसिटी में यहां पी आया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ही डी आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप सप्लाई को मेजर करेंगे तो आपका आंसर आएगा प्लस में, डिमांड को मेजर कर रहे थे प्राइस इलास्टिसिटी को, उसका इनवर्स रिलेशन था वो नेगेटिव था। इसका चूंकि
पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव में प्लस में आएगा। तो देखिए बच्चों, हमने एक फॉर्मूले की मदद से इसको भी मेजर किया। ये वही टेबल है जो लॉ ऑफ डिमांड में यूज किया था, लेकिन मैंने इसको लॉ ऑफ सप्लाई में कन्वर्ट किया। देखिए बेटो, प्राइस बढ़ी 10 से 11, बढ़ गई। सप्लाई क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। तो सप्लाई भी देखे 200 से बढ़कर कितनी हो गई बेटो, 240। देखा बेटे आपने, तो प्राइस भी बढ़ी और सप्लाई भी बढ़ी। प्राइस में कितने का चेंज आया? 1 का। सप्लाई में कितने का चेंज आया? 40 का। आपने वैल्यूज लगाई, सेम आंसर आया। पहले नेगेटिव आया था क्योंकि डिमांड में नेगेटिव रिलेशन था, अब पॉजिटिव आया क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई पॉजिटिव रिलेशन लगता है। 2 आंसर आया, 1 से ज्यादा है, मोर इलास्टिक है। सब चीजें मैं आपको ये इलास्टिसिटी में करवा दी, सब चीजें मैंने आपको सिखाई। आपके पास जो पहली असाइनमेंट है वो यही है। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ टेबल एंड डायग्राम ऑफ द यूनिट इलास्टिक सप्लाई। अभी मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में टेबल और डायग्राम बना के दिखाया था ना, कि अगर प्राइस में जितना चेंज आए उतना ही डिमांड में आए, तो उसे यूनिट इलास्टिसिटी डिमांड बोलते हैं। तो आपने वैसा ही सप्लाई का बनाना है, जितना चेंज प्राइस में आए उतना ही चेंज सप्लाई में आए, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई गलत नहीं होना चाहिए। सेम इन इलास्टिक, इलास्टिक और ये जो है वो परफेक्टली, और इन इलास्टिक जो इनफाइनाइट है इनको आपने रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद बच्चों मेरी तरफ से आप बच्चों को जो है वो गुड बाय। मैंने आपको जो टॉपिक करवाया आज, मैंने आपको कंप्लीट और डिटेल टॉपिक करवाया, चाहे बच्चे ग्रेजुएशन के हैं, चाहे मास्टर्स सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं, चाहे ये बच्चे इंटरमीडिएट लेवल के हैं। इलास्टिसिटी चेंज नहीं होती। इलास्टिसिटी के जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाए वो मैंने बहुत ही मुख्तलिफ बुक्स से स्टडी करके आपको जो है वो टॉपिक करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम चीजें समझ आई होंगी। असाइनमेंट आप बच्चों ने बना ली है। इस असाइनमेंट के बाद नेक्स्ट अब हमारा जो काम है वो हमारा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है इलास्टिसिटी का, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको सिखाऊंगा। लेकिन आप जो है सबसे पहले ये जो असाइनमेंट है सप्लाई की वो प्रिपेयर करेंगे, और इसमें जो मैंने कुछ चीजें आपको यहाँ रफली करके दी उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई चीज समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे व्हाट्सएप पर, एडमोडो पर, गूगल क्लासरूम में, जूम पर, तमाम जगहों पर जो है ये चीजें पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और मेरा फोन नंबर मौजूद है। अगर कोई स्टूडेंट मेरे कॉलेज के अलावा है तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मेल करके या व्हाट्सएप पर जो है मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज जो आप बच्चों को नहीं समझ आती इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप मेरे से पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको उसको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई करूंगा। तो बच्चों मेरी तरफ से स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज।